मैं समझता हूं कि ऐसा बिरला ही उदाहरण मिलता है। इसमें राजस्थान सरकार की, मुख्यमंत्री जी की चूक हुई है। इस चूक को मैं समझता हूं कि वो अगर माफी मांग के और इनके लिए कोई स्मारक के लिए जमीन आवंटित करें। डॉक्टर कमला बेनीवाल जी 98 ईयर्स ओल्ड, 11 साल की उम्र में देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को शामिल कर लिया। विभिन्न पदों पर रहते हुए मंत्री, प्रथम मंत्री थी राजस्थान की मंत्रिमंडल में, महिला मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री भी रही, थोड़े दिन के लिए शिक्षा मंत्री भी रही, सिंचाई मंत्री भी रही। विभिन्न पदों पर रहने के बाद में वो राज्यपाल रही गुजरात में और दो अन्य जगह पर राज्यपाल भी रही। अपने वसूलों के लिए उन्होंने कभी भी वसूलों के साथ समझौता नहीं किया, सिद्धांत पे चली, ईमानदारी की राजनीति की, ईमानदारी से जनसेवा की। एक ऐसी महिला जिसने महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा, बालिका शिक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया, हमेशा वो एक रोल मॉडल के रूप में काम उन्होंने किया। ऐसे राज्यपाल के पद पे रह चुकी एक महिला को उन्होंने राजकीय सम्मान नहीं दिया, ये मैं समझता हूँ कि बाहरी भूल इस राजस्थान की बीजेपी की सरकार की है। कोई पॉलिटिकल इस सरकार में बात करने वाला, समझने वाला कोई है ही नहीं। जो नेता हैं, मंत्री मुख्यमंत्री को पटकने में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली के पर्ची के आधार के ऊपर पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, पहले पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे। ये पॉलिटिकल कॉल था और हमारी परंपरा है राजस्थान की, इस परंपरा के तहत ही माननीय उपराष्ट्रपति हमारे भैरव सिंह जी शेखावत साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको राजकीय सम्मान दिया गया, उनको उनकी उसके लिए स्मारक के लिए निःशुल्क जमीन दी गई। हमारे पंडित नवल किशोर शर्मा जी थे जो गुजरात के ही राज्यपाल रहे, डॉक्टर कमला बेनीवाल जी की तरह गुजरात में राज्यपाल रहे, उनको भी राजकीय सम्मान दिया गया। तो फिर डॉक्टर कमला बेनीवाल को राजकीय सम्मान देने में इनको दिक्कत कहाँ थी? अभी अधिकारी बात कर रहे हैं, मैंने जिला कलेक्टर से बात की, उन्होंने कहा साहब वो स्वतंत्रता सेनानियों की हमारी लिस्ट में नाम नहीं था और ये जो पूर्व राज्यपाल को देना था ये सरकार को निर्णय लेना था, मैंने सरकार को समय रहते अवगत करा दिया था। अब सरकार में मुख्यमंत्री अगर वहाँ पर जा रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो उनको इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि मैं जब आ रहा हूँ, मुख्यमंत्री स्वयं जा रहे हैं, तो फिर राजकीय सम्मान देने में क्या दिक्कत थी? लेकिन वो पॉलिटिकल मेच्योर व्यक्ति नहीं है, उनको कोई सलाह देने वाला नहीं है, अफसरों ने घेर रखा है, आरएसएस के लोगों ने घेर रखा है मुख्यमंत्री जी को, और मैं समझता हूँ कि इसीलिए उनको किसी ने सलाह दी होगी कि ये तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में तो तब इन्होंने कोई समझौता नहीं किया अपने सिद्धांतों के साथ, अपने वसूलों के साथ, अपने वसूलों पे अडिग रही, उनका स्थानांतरण कर दिया गया, दूसरी जगह भेज दिया गया, काफ़ी चर्चाओं में आया था विवाद। तो क्या मोदी जी से डर गए मुख्यमंत्री जी? मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये जो हमारी प्रदेश की, देश की मातृशक्ति है वो इस बारे में चर्चा कर रही है, पूछ रही है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि जब हमारे राजस्थान की परंपरा थी, चाहे भैरव सिंह जी शेखावत साहब हो, चाहे पंडित नवल किशोर शर्मा जी हो, उनको सबको जब राजकीय सम्मान दिया गया अंत्येष्टि के समय, तो फिर डॉक्टर कमला बेनीवाल को क्यों नहीं? इसलिए हमने ये सवाल उठाया है। 11 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना और उसके बाद में पूरा जीवन सामाजिक और लोगों की सेवा के लिए जो है वो अपने आप को समर्पित 98 साल तक, मैं समझता हूँ कि ऐसा बिरला ही उदाहरण मिलता है। इसमें राजस्थान सरकार की, मुख्यमंत्री जी की चूक हुई है। इस चूक को मैं समझता हूँ कि वो अगर माफ़ी मांग के और इनके लिए कोई स्मारक के लिए ज़मीन आवंटित करें और उनके लिए कोई इस तरीके का, कोई जैसे पंडित नवल किशोर जी
शर्मा के लिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, उनका नामकरण दोसा के लिए मेडिकल कॉलेज का किया था। वैसे इनको कुछ चीर स्थाई इनकी जो है वो स्मृति बनाने के लिए उनको करना चाहिए, ये मैं समझता हूँ कि पश्चाताप करने का एक अच्छा तरीका है। बाकी उनकी इच्छा है, जैसा वो करना चाहते हैं, जैसी वो सरकार चलाना चाहते हैं, जैसा वो सम्मान या जैसी परंपराएं वो डालना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के इतिहास में हमेशा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके इस प्रकार के निर्णय होते रहे हैं, परंपरा चलती रही हैं और सम्मान हमेशा दिया जाना चाहिए। किसी को आप सम्मान दोगे तो वो सम्मान आप स्वयं को भी मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है।